देश भर में नए साल की शुरुआत लोग अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं। कहीं पर लोग पार्टियां कर रहे हैं तो कहीं कुछ लोग नव वर्ष की शुरुआत आध्यात्मिक यात्राओं से करते हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां नर्मदा के घाटों पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन की कतार जेपी चौक से लगना शुरू हुई, जिससे नगर के अंदर बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दी। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए साल की शुरुआत अपने आराध्य भोले बाबा के दर्शन के साथ करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए वीआईपी दर्शन पर पाबंदी लगाई गई है। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन करवाने और सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं नर्मदा के घाटों पर होमगार्ड और गोताखोरों की टीमें भी लगाई गई हैं, ताकि कोई हादसा ना हो सके। नमन वहां से ले लेना, अभी ले गया वो। भगवान मंगलाय सर्वे द्वारा सत्यम ब्रह्मेदान जनार्दना विनायकं गुरुं पानौ सरस्वतीं प्रणाम।